अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के सामने धरना दिया और इस दौरान भाजपा नेता और पदाधिकारियों ने आक्रोश जताकर इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। धरने के बाद ज्ञापन के लिए जाने के दौरान पुलिस कर्मियों से भाजपा कार्यकर्ताओं का विवाद भी हो गया और इस दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक खदेड़ा। इस मौके पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका सहित कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवर में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर विरोध जताया है, धरना दिया है, गिरफ्तार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है और इस दौरान पुलिस कर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में विवाद भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिले के द्वारा ये कार्यक्रम पुनः रखा गया, पहले धरने का भी किया गया था और उससे पहले हमने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन जिस तरह से अलवर जिले में ये जो रैप के केस बढ़ते जा रहे हैं, अभी जो पहले 13 फरवरी को दुमेड़ा में कांड हुआ, नाबालिग बच्ची के साथ साथ कांड हुआ और उसमें आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 26 जो अप्रैल को कांड हुआ सामूहिक रेप का, उसमें जरूर गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद कठुमर में अभी सीएससी में कांड हुआ रेप का, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ में अभी भर्तृहरि के धाम पर भी एक इसी तरह का कांड हुआ है, रेप का कांड हुआ, उसमें किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जिले ने ये मांग की है कि इस तरह से जो शासन चल रहा है और जिस पर कोई नियंत्रण कांग्रेस सरकार का है नहीं है, गहलोत सरकार का नहीं है, ऐसी सरकार का अब इस राज्य में रहना वाजिब नहीं है और इस सरकार को राज्यपाल महोदय से हमने मांग की है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और सुरक्षा प्रदान